दोस्तों आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल। अपने क्षेत्र की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव अवसर पर है। इस दौरान हासी शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। विकास नाम की एक ईंट नहीं लग रही। जो काम हो रहे हैं उनमें धांधली हो रही है। जिस हम पार्क में हम खड़े हैं ये उकमचंद जैन पार्क है, लाला उकमचंद जैन पार्क। यहाँ लाइट लगी हुई है लेकिन दस नहीं रही। इसको लेकर आज महासंग्राम की कुछ हमने नेताओं को यहाँ आमंत्रित किया है, जिसमें मनोज राठी जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इधर से कैलाश मंडावरिया जी कांग्रेस से हैं, इधर से वीना चौधरी जी जो बीजेपी की नेता है, समा मल्होत्रा जी जो हिंदू महासभा से हैं, इधर से बुक्कल जी हैं जो कि मजबूत है, दबंग नेता, हर तरह से दलितों की आवाज़ को उठाते हैं। ये हल्का प्रधान है आम आदमी पार्टी के, सभी का यहाँ पहुँचे हैं। ये अपनी अपनी बात बताएंगे कि क्यों विकास कार्य नहीं हो रहे, और बीजेपी वाले बताएंगे कि हाँसी में किस वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं, और सत्ता पक्ष विपक्ष सारे आपके बीच में हैं। राठी साहब आपका पोल खोल खोल में स्वागत है। आप बताइएगा शहर में कितना जबरदस्त काम चल रहे हैं, किस वजह से काम चल रहे हैं, हाँसी में कितना काम हो रहा है, क्या हाँसी में चौकीदारी कर रहे हैं? ऐसे है जी, आसी में जबरदस्त चौकीदार चोरी का काम करने लग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करने लग रहे। लाइट फंस जाए लाइट खा जाए, और कुछ अड़ंगा फंस जाए वो खा जाए। सीएम विंडो भी बिकी हुई है। मैं आपको एक खास बात बताऊंगा, आप कोई भी दरखास्त सीएम विंडो पे लगाओ 5000 रुपये में सेटलमेंट हो जाता है जी सीएम विंडो का। आसी में तो विकास का बुरा हाल है, चौकीदार सिर्फ चोरी करते हैं। कई नेता प्लाट काटने के चक्कर में, कोई किले पर काटने के चक्कर में है, कोई कहीं काटने के चक्कर में है। ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो दूसरी पार्टी में क्रिमिनल थे, भ्रष्ट थे, और बीजेपी की गंगा में डुबकी लगाई नहीं और पवित्र हो गए। मीना जी बताइएगा, बीजेपी की तरफ से आप यहाँ पहुँचे हैं और इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि प्लाट काटने की तैयारी है किला पर। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को घेरना, इस बात पर हम क्या कह सकते हैं। मनोज राठी जी की सोच है वो तो, कि वो प्लाट काटने वाली बात है। विकास कार्य नहीं हो रहे, लाइट बेची जा रही है। विकास कार्य हो क्यों नहीं रहे, कितने तो रोड का देखो। लाइट बेची जा रही है, लाइट बेची नहीं जा रही है। जहाँ इस एजेंडे पर आप इकट्ठे हुए हैं कि भाई पार्क के अंदर भी सार्वजनिक स्थल है, इस पे लाइट का प्रबंध नहीं है। मीटर के लिए अप्लाई कर दिया जा चुका है, एक दो दिन में मीटर लग जाएगा, फिर लाइट भी आ जाएगी पार्क में। माँ बहन बेटियाँ यहाँ आती हैं, रात का समय होता है, वहाँ लाइट व्यवस्था नहीं है, वो लाइट व्यवस्था कर दी जाएगी एक दो दिन में मीटर लगने के बाद में। आप क्या कहेंगे समाज, आप हिंदू महासभा की तरफ से हो, रात को आप भी जाते हो देखने के लिए पार्क? नमस्कार जी, हम तो किसी पार्टी के साथ बिलोंग नहीं करते, हमारे लिए तो विपक्ष भी वैसे हैं और पक्ष भी वैसे ही हैं। हमारी तो ये है कि जितना बुरा हाल हाँसी का हुआ है, इतना आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। हर जगह गंद, हर जगह कूड़ा, हर जगह कबाड़ मचा हुआ है। किसको बोलें जाके, जिसको बोलते हैं वही कहते हैं जी हम क्या करें। अब इस पार्क मेरे साथ खुद से भी ऐसा हो चुका है कि मेरे फ़ोन छीनने की कोशिश की गई थी यहाँ भी इस पार्क के पास। ये तो चलो ठीक था कि हम थोड़े बोल्ड हैं तो अपने आप को बचा लिया हमने। यहाँ पर भी 7 बजे के बाद जो लोग घूमने आते हैं वहाँ पर छेड़खानी, कभी चोरी, कभी कुछ, ये आम बातें हैं। सुबह भी 4:30 बजे यहाँ पर लोग आ जाते हैं। यहाँ पर लाइट व्यवस्था 6 महीने से सुनते आ रहे हैं, लाइट व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पर। राठी साहब बड़ी बात आई है सामने की, जैसे आप बता रहे थे चोरी हो रही है। समा मल्होत्रा जी का भी मोबाइल छीनने की कोशिश की गई थी यहाँ। अरे भाई, अपराध तो हाँसी में चरम सीमा पर है। मैं आपको बताऊं, जब से पुलिस जिला बनाया है तब से अपराध बढ़ा है। खाली पुलिस का काम है चलान काटना। समय के देखो आप कितनी बुरी तरह से बिगड़ने लग रही है। नशाखोरी हाँसी को लेके बैठ गई है। आज युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तब से हाँसी का नाश होना स्टार्ट हुआ है, और जब तक इन चौकीदारों को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे हाँसी का बचाव नहीं हो सकता। और मैं तो हाँसी वासियों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक एक आदमी को देखो, इन लोगों को परखो कि ये काम करने काबिल नहीं है। 5 साल इन्होंने हाँसी में कुछ नहीं किया और 2 महीने बाद में वोट की अपील करने के लिए आएंगे कि हमें वोट दो। ये सिर्फ जात पात की बात करके वोट लेना चाहते हैं। खट्टर खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री जाति पाति की बात करता है। यहाँ जो बीजेपी के नेता हैं 30-35 नेता हैं जो सिर्फ टिकट का जुगाड़ करते घूमे, सिर्फ टिकट का, बाकी कुछ नहीं करते। काम तो करना उनका काम नहीं है। कोई प्लाट काटने के चक्कर में, कोई सोचा मैं विधायक बन के ये जमीन बेच दूंगा, कोई सोचा मैं ये काम कर दूंगा। सारे के सारे चौकीदार चोर हैं। मंडावी जी आप बताइएगा क्या चल रहा है हाँसी में, सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि जो आपने मेरे आपके चैनल के माध्यम से आपने मेरे को बुलाने का काम किया, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, चुनाव से पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे,
आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देश के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर चौमुखी विकास होगा। और मनोहरलाल खट्टर जी ने भी ये कहा था, चुनाव से पहले बड़े वादे किए थे कि सफाई मुक्त होगा, विकास होगा, और विकास तो हुआ नहीं, जुमलेबाजी के अंदर हरियाणा प्रदेश को भारत के अंदर जुमलेबाजी के अंदर फंसाने का काम किया। आज वो नरेंद्र मोदी जी माननीय चुनाव के अंदर तो कहते हैं कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लगाते थे, शहीदों के नाम पर राजनीति करते हैं, सैनिकों पर सवाल उठाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, चुनाव के अंदर 1.5 महीने पहले तो आपने बड़े कांग्रेस पर बड़े लंबे चौड़े आरोप लगाए थे, क्या जवान आज नहीं मर रहे? आज गिरिराज जब चुनाव से पहले वादे करते थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो तो लाहौर के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, जवान मर रहे हैं, आरोप लगाए कांग्रेस ने जवान मर रहे हैं, बोलिएगा आप कैसे चुप हो चौकीदारों के बारे में? देखो आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना, कांग्रेस सरकार इतने सालों तक रही, क्या तब नहीं मरे जवान? तब कहाँ थी कांग्रेस सरकार? आज मर रहे हैं तो पुलवामा अटैक किया था तब प्रधानमंत्री ने कैसे सीमा के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को जवाब दिया था? अभिनंदन कभी भी वापस नहीं आता अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो। अब क्या कहें, अभिनंदन की वापसी बता रहे हैं। कारगिल की लड़ाई कब हुई थी? कारगिल की लड़ाई के अंदर जो राजीव गांधी पर तोपों की दलाली का जो इल्जाम लगाया था, वही दलाली तोपों के वही तोप कांग्रेस पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के अंदर काम आए थी। आज नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, आज नरेंद्र मोदी सफाई व्यवस्था की बात करते हैं, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके चैनलों को कैसी कैसी बातें आती हैं, जब मोदी जी कहाँ चले जाते हैं? जब सफाई की बात आती है, चाहे वो श्याम मंदिर की बात हो, चाहे वो शहीदों के ऊपर जहाँ शहीद स्थल बना वहाँ कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ पर मंदिर की पूजा होती थी, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती थी, वहाँ पर आज कूड़े के ढेर लगे हैं। मोदी जी भारी वहाँ निकालते हैं जहाँ पर कागज एक पड़ा होता है, अधिकारी पहले कागज डाल देते हैं, फिर मोदी जी फोटो खिंचवाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री फोटो खिंचवाने के लिए, अपने चैनल को अपना चेहरा दिखाने के लिए वहाँ पर भारी निकालते हैं। भारी वहाँ निकालनी चाहिए, सफाई व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए, चाहे कृष्णा कॉलोनी की बात हो, चाहे इंदिरा कॉलोनी की बात हो। आज हांसी शहर के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जैसे राठी जी ने बताया, आज कोई भी बहन कोई भी भाई सुरक्षित नहीं, दिन दहाड़े हरियाणा प्रदेश की पवित्र धरती पर सरेआम बंदूक की नोकों पर लूट लिया जाता है। आज मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री जी वो बताएं कि कुछ दिन पहले हरियाणा जल रहा था, जब मुख्यमंत्री की एक दिन भी ट्वीट नहीं आई, जब हरियाणा जल रहा था प्रधानमंत्री माननीय एक दिन भी ट्वीट नहीं आई, आज वो विकास का ढूंढारा पीटते हैं, विकास की बातें करते हैं। आज 1.5 महीने पहले सरकार बनी थी, 1.5 महीने के बाद आज मुख्यमंत्री जी आज वो बात नहीं करते, आज शहीदों की बात नहीं करते, क्योंकि चुनाव के अंदर वोट लेना था। लोगों को जुमलेबाजी करके राम मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर देश को लूटने का काम किया, देश को गुमराह करने का काम किया। मैं हरियाणा की जनता से नहीं, पूरे भारत की जनता से प्रार्थना करता हूं, ऐसे प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री का बहिष्कार करना चाहिए। आने वाले चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं। बीजेपी जाती अच्छी लगती है, कांग्रेस पार्टी आती हुई अच्छी लगती है। दलितों की शिक्षा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित, बीजेपी का आरोप। सबसे पहले तो हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल ने जो यहाँ जो कार्यक्रम किया है और उसमें शामिल जो करने का हमें आज मौका मिला है, धन्यवाद करते हैं। हम सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर एक ट्रस्ट के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, और जब से देश और प्रदेश के अंदर संविधान विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, महिलाएं विरोधी सरकार आई है, जब से देश का मतलब विकास क्या मतलब प्रधानमंत्री कुछ चुनिंदा लोगों का विकास करने में जुटे हुए हैं और सबका साथ और सबका विकास की जो बात करती है बीजेपी पार्टी, उनको मैं चुनौती देता हूं, अगर सबका साथ और सबका विकास है तो हरियाणा के अंदर अब की बार ईवीएम से नहीं बैल्ट पेपर से चुनाव कराएं, तो भाजपा को पता लग जाएगा हरियाणा की जनता उनको मतलब वोट की चोट से जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और महिलाओं के ऊपर जिस तरह से रेप के मुकदमे रेप की घटनाएं जो बढ़ रही है, और दलितों के ऊपर जब से मोदी सरकार आई है पूरे देश के अंदर 5000 से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है, और SC ST स्टूडेंटों का पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप कम की गई है, और अब की बार तो मोदी सरकार है, पिछली बार मोदी सरकार थी, पूरे देश के अंदर हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर हमारे छात्र साथी परेशान है, कॉलेजों के अंदर फीस बढ़ा दी गई है और सीटें घटा दी गई हैं, SC ST एक्ट के तहत जो कंपनसेशन मिलता है पिछले 3-3 साल से पेंडिंग है, ये सरकार
मतलब ये चौकीदार सारे चोर हैं, झूठी चौकीदारी करते हैं, ये पता नहीं रात के हैं दिन के हैं, और हांसी का तो बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया। जब से बीजेपी सरकार आई है हांसी हल्के को 20 साल पीछे ले जाने का काम किया है। और आप बोलिए, मैं किसी भी राजनीति पार्टी से आज समाज सेवी हूं, आप मैं हाँ मैं सोशल वर्कर हूँ, लेकिन जैसे ही समाज सेवी वाले मैं सफाई से पहले मैं और मुद्दे लेना चाहूँगा हांसी के लिए। सरकार इनेलो की आई, सरकार कांग्रेस की आई, सरकार बीजेपी की आई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक माहौल हांसी में रहा कि आज तक ना तो किसी सरकार ने किसी उद्योग के बारे में सोचा भाई हांसी के अंदर कोई उद्योग लगाया जाए जिससे व्यापार बढ़ेगा, ना ही शिक्षा स्तर पे कोई यूनिवर्सिटी लाने का या कोई बढ़िया कॉलेज लाने का सोचा। नंबर तीन, सबसे बड़ी ज़रूरत जो हांसी में है अस्पताल की। आज हांसी के अंदर अगर बुखार के अलावा किसी के थोड़ा बीपी भी बढ़ जाए तो उसने हिसार जाना पड़े जी। और हम जेसीआई स्टार की तरफ से जुड़े हुए हैं, हमने जेसीआई की तरफ से सभी सरकारों में कई बार एप्लीकेशन दी कि कम से कम यहाँ एक वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस तो दी जाए भाई, ताकि कोई भी मरीज, किसी को अटैक भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी को कोई भी हो सकता है, हम हिसार तक तो पेशेंट को जिंदा ले जा सकें। तो मैं यही चाहूँगा, हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल एक बीमार अस्पताल बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में पूरे डॉक्टर हैं, व्यवस्था कम है तो लिख कर आगे भेजा जाएगा और पूरी तरह से जो व्यवस्था की कमी है वो व्यवस्था को पूर्ण किया जाएगा। और जैसे बुक्कल भाई साहब ने कहा कि महिलाओं के रेप बढ़ रही हैं, तो वो ऐसे तो है नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं ये कार्य को, ऐसा है कि जो कर रहे हैं उन लोगों की मानसिकता खराब है। बहन बेटियों को भी समझना चाहिए और जो ऐसे बलात्कारी जो लोग हैं लिप्त हैं ऐसे कार्यों में, उनको सोचना चाहिए, उनको इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, उनकी सोच को सकारात्मक होना चाहिए। हेलो सर, राठी साहब ऐसे बता रहे हैं कि इनमें विनय चौधरी ने कहा है कि बीजेपी वाले रेप नहीं कर रहे हैं। ऐसे है जी, देश बिना वीडियो आ रही है की, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, सारा देश ने बेरा है, अनके मंत्रियों वीडियो आ रही, कमाल करो, सब तो बड़े भ्रष्ट, सब तो बड़े रेपिस्ट ये हैं। और मैं तो आपने सीधा सीधा बताना चाहूँ, खट्टर साहब है बिना सोचे समझे बोलते हैं, थोड़े दिन पहले बोल दिया कि जमींदार धान ना बो, बता भाई बोला धरती का पानी खत्म हो जाएगा। अरे सारे शहर में फ्लैश में थोड़ी सी देर थोड़ा पेशाब करके आओ आदमी, और 5 लीटर पानी नीचे जावे, किसान अगर धान नहीं बोगा तो लोग के खाएंगे। और मैं तो खट्टर साहब को बताना चाहूँ और सारे चौकीदारों को बताना चाहूँ, किसान धान बोना बंद कर देगा अगर पूरा बाजार, पूरा शहर जो खट्टर दुकानदारी करा करता भाई, बिना मैं सिर्फ 5 दिन दुकान खोल के दिखाओ कोई दुकानदार, 25 दिन दुकान बंद करके देखो, फिर पता चलेगा उसका बच्चा क्या खाएगा। 6 महीने की फसल है किसान की, अगर कोई धान छोड़ के कुछ फसल बो दी, पानी भर गया, सारी फसल खत्म होगी, तो 6 महीने तक उसके बच्चे क्या खाएंगे। खट्टर साहब ने ये नहीं कही कि धान ना बो हम 50,000 रुपये आपको प्रति एकड़ देंगे। इसलिए मैं खट्टर साहब को बताना चाहूँ कि चौकीदार पक्के चोर हैं और रेपिस्ट भी हैं और भ्रष्ट भी हैं। आपके हांसी शहर में देख लो, पूरी जनता ने पता है कि कौन रेपिस्ट हैं कौन भ्रष्ट हैं। अनको आने वाले 3 महीने में वोट के लगा के पता चलेगा, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं हिंदू महासभा की तरफ से तो यही कहूंगी कि अगर सारी पार्टियां अगर आपस में मिलके हम अपने हांसी का कल्याण करेंगे तो ज़्यादा कल्याण नहीं होगा। अगर हम ऐसे, अगर वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी टांग खींचेगा, उसमें नुकसान तो आम जनता का है, आप लोगों का नहीं, आम जनता का नुकसान है। अगर आप लोग उसको धो रहे हो, आप लोग उसको धो रहे हो, इसमें धुल कौन रहा है, हम जनता धुल रही है इसमें। अगर हम हिंदू महासभा की पार्टी की तरफ से, अगर मैं यही कहती हूँ कि अगर यहाँ हांसी है इसका इस पार्क का समाधान नहीं हुआ, लाइट नहीं लगवाई गई और हमारे लिए जो भी कल्याणकारी काम है वो नहीं हुए, तो हिंदू महासभा की तरफ से हम सब लोग धरने पर बैठ जाएंगे। आओ जी रोहिले साहब, इधर आओ मेरे पास, इधर जाओ। रोहिले साहब, आप स्कूल यूनियन से जुड़े हुए हो, आज बहुत बड़ी समस्या रेड पड़ने वाली है स्कूलों पर, 1000 कुछ स्कूल बंद के कंगाल पर है, 80,000 टीचर है और है जो बेरोजगार होने जा रहे हैं। हाँ जी बताइए इस बारे में। ये स्कूलों के बारे में जो सरकार स्टेप ले रही है सरासर गलत है, इनको मालूम ही नहीं है कि किस चीज़ को किस ढंग से चलाना होता है। अगर स्कूल ही बंद हो गए तो बाकी बचेगा क्या, ये सरकार का ना बहुत ही गलत निर्णय है। अगर ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का निर्णय है, हाई कोर्ट का निर्णय तो SYL पर भी है, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखवाए ना, ये बहुत ही गलत निर्णय है। और ये जो सरकार अगर बंद करने का प्रयास किया, ये बहुत ही गलत साबित होगा
और आने वाले टाइम में सरकार को ऐसे नॉर्म्स नियम बनाने पड़ेंगे जिससे कम से कम नॉर्म्स पे सिस्टम चलने चाहिए। इस देश को ना अंग्रेजों से भी बुरे हालात पैदा कर दिए हैं सरकारों ने, 120-20 125-25 नॉर्म्स क्रिएट कर दिए हैं और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लेवल के जो लोग हैं वो ही उन नॉर्म्स को पूरा कर पाते हैं और वही चला पाते हैं। इससे तो गली मोहल्ले की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं, है। एक कोई सिरफिरा कोई भी याचिका लगा दे और इस याचिका के आधार पर सरकार स्कूल बंद करने के लिए निकल पड़ी है। और ये किसी भी कीमत पे बंद नहीं हो सकते, बंद करके देख लेना हम कहाँ पे चलाएंगे, पूरे देश को संदेश देने का काम करेंगे। और ये जो छोटे छोटे स्कूल है ना, इन्हीं के बच्चे IAS IPS IFS बनते हैं ना, कि दिल्ली पब्लिक स्कूल SD मॉडर्न काली देवी, इन स्कूलों के बच्चे नहीं बनते क्योंकि वहाँ पे बेसिक बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाया जाता है और वो तो एक समाज सेवा कर रहे हैं। उस समाज सेवा करने वाले ढांचे को बंद करने का अगर सरकार प्रयास करेगी, इसका खामियाजा 2-3 महीने बाद इस खट्टर सरकार को भुगतना पड़ेगा। पाठी साहब, अब जो बात नई खुल कर आई है कि 1,500 के स्कूल बंद होने वाले हैं, कल से स्टार्ट डेट पड़ने वाली है कल से, तो ये नया शुरू कर रहा है, ऐसे है खट्टर सरकार की बहुत बड़ी गलती है या जो गम हम स्कूल बना रहे हैं, शहर की कॉलोनी हम स्कूल बना रहे हैं छोटे छोटे, वो तो प्योर समाज की सेवा भाई। और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके साथ पूरा प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार की नींव हिला देंगे भाई। आपने मैं अगली बात और बताऊं, जो गामा के स्कूल हैं छोटे छोटे स्कूल हैं, यहां जो बड़े बड़े DPS वगैरह हैं ये सरकार के हैं सबके सब। अभिमन्यु के कई स्कूल हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके मोटे मोटे काम मोटे मोटे धंधे हैं, वो सब नीचे वाले लोगों को चूसना चाहें और स्कूल जो छोटे छोटे अपने धंधा कर रहे हैं इनको तो खत्म करके इनके बच्चों को चाहें कि सरकारी स्कूल भी खत्म कर दिए। सरकारी स्कूल में एक स्कूल बता दो, मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूँ, सारी उम्र कुंडी मारी है, एक सरकारी स्कूल उसने अपनी 5 साल की योजना में बनाया हो तो हम उसको मान जाएंगे। दिल्ली में देखो जाके, अरे कुछ मारते कोचिंग काचिंग ले लो, कोई जुगाड़ नहीं दो हम समझा देंगे, अकल नहीं है दो। अंडर मैट्रिक शिक्षा मंत्री हैं इनके। आपको मैं अगली बात और बताऊँ कि जो प्राइवेट स्कूल जो बेचारे गाँव सत्र पर बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं, जो हमारा ढांचा चलाने लग रहे हैं, इनको बंद करवा के वो चाहते हैं कि गाँव के शहर के जो गरीब बच्चे हैं वो भी तारी बड़े बड़े स्कूलों में आवे और अपने ढूंढ डांड बेच के पैसे तमने दे जावे। इसलिए चौकीदार ही चोर है। भारद्वाज जी एक मिनट, मैं चलूं सर। अगर सरकार ने लोक लगाने की कोशिश की तो हम टेंट लगा के पढ़ाने का काम करेंगे, किसी भी कीमत पे बंद को नहीं करा, किसी के बाप में दम हो तो इस ढांचे को बंद करके दिखाए। हर जगह टक्कर लिया सरकार से और अब भी लेके दिखाएंगे, कल मेरे स्कूल के लोग लगा के दिखाना, वहीं पे टेंट लगा के पूरे देश को बताने का काम करेंगे शिक्षा होती क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्या है। स्कूल बंद होने से लाखों बच्चों का भविष्य सड़क पे आ जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को DAV स्कूल में पढ़ा सके या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा सके, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना बड़े बड़े स्कूलों में ही सभी पेरेंट्स पढ़ा सके। हो सकता है ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-4 साल के बच्चे हैं, ये 20-20 किलोमीटर दूर स्कूलों में जा सकते हैं, ये तो कॉलोनियों में पढ़ाएंगे, तो इनको सरकार को एक बहुत सरलीकरण करके इनको मान्यता दे देनी चाहिए स्कूलों को। ये कोई दारू या कोई अवैध चीज़ नहीं बेच रहे, शिक्षा बेचना भी अगर गलत है तो फिर है ना इनको ऊपर बुलडोजर चलवा दो जी स्कूलों के ऊपर। 1,000 स्कूलों का भविष्य खत्म होने जा रहा है, बंद करने जा रही सरकार, कल से रेड पड़ेगी, परसों फिर लॉज होगी, कांग्रेस के आप नुमाइंदे हो तो क्या स्टिक आपका एक्शन रहेगा? ललित जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्कूलों पे पंजा नहीं चला रहे, ये गरीब जो समाज है उसके बच्चों के भविष्य पे पंजा चलाने का मनोहर लाल सरकार काम कर रही है। ये गरीबों को देख के खुश नहीं है, ना ही ये गरीबों को देखना चाहती। ये छोटे छोटे जो स्कूल है ना, ये आजीवन चला के अपनी आजीविका चला के बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, अपने घरों का चूल्हा चलाने का जो काम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे स्कूल जो ये काम कर रहे हैं, और जो सरकार ये काम करना चाहती है कि इनको बंद करना चाहती है, कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, तन मन धन से इनके साथ है, चाहे हमें रोडों पे निकलना पड़े, लेकिन ये सरकार की मंशा पूरी नहीं होने देंगे, हम इन स्कूलों के साथ खड़े हैं। आप BJP की तरफ से है, अगर स्कूल बंद हुए तो आप क्या करोगे, रोड पे आ जाएंगे सभी टीचर? ऐसी बात नहीं है, जो भी सरकार का फैसला है वो सही है और भारतीय जनता पार्टी सबका समान विकास के साथ काम कर रही है, छोटे से बड़े लेकर किसी में फर्क भेदभाव नहीं कर रही है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रही है। जैसा मनोज राठी जी ने कहा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी, लोकसभा चुनाव में देखा आपने राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाले मोदी जी का साथ दिया जनता ने, ऐसे ही विधानसभा चुनाव में 75 पार खट्टर सरकार होगी।
75 बार हुई बीजेपी सरकार। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी लोकसभा सांसद जो हमारे आदरणीय लोकसभा सांसद जो बने हैं वो एक महीने से उनका डेढ़ महीने से उनका पता नहीं, उसका कोई भी अता पता बताएगा उसको 500 रुपये तो मैं इनाम दूंगा। अरे दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलित और पिछड़ा वर्ग को कुचलने का काम किया है। इनकी सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो पहले ये बताएं कि 1000 स्कूल को बंद करना हरियाणा प्रदेश की पवित्र धरती पर क्रांति जैसा मोल बन जाएगा। जो कि और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो पढ़ाई की बात करती हैं, शिक्षा देने की बात करते हैं रामविलास शर्मा आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, पहले वो तो बताएं स्कूलों के अंदर सही समय पे वर्दी नहीं पहुँचती, सही समय पे जूते नहीं पहुँचते, सही समय पे किताबें नहीं पहुँचते। आज वो बात किस बात की पढ़ाई की बात करते हैं? ये दलित विरोधी सरकार है, बैकवर्ड विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों के हाथ में सरकार खेलती है। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को तो पता नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने स्कूल हैं, कहाँ पर कितनी वर्दी जाती हैं, कहाँ पर कितने जूते जाते हैं, कहाँ पर कितने किताबें जाती हैं। तो ये क्या देश का भविष्य करेंगे, क्या देश का भविष्य उज्जवल करेंगे? ये तो सरकार रहने के लायक नहीं है। और थोड़े दिन के बाद तो ये सरकार जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है पार्क में। आप कांग्रेस के हो, आप क्या विपक्ष में बैठे हो, क्या मुद्दे की न्यूज चल रही है? ललित जी आप लाइट की बात करो, म्यूनिसिपल कमेटी में कर्मचारी लगे उनको तनख्वाह नहीं है 9-9 महीने से, फायर ब्रिगेड में लगे हुए कच्चे कर्मचारी हैं 9 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको सैलरी नहीं मिल रही। अभी एक और काम इतना बड़ा करने जा रहे हैं, जो टीचर हैं जो प्राइवेट स्कूल में जो अपने बच्चों की आजीविका चला रहे हैं, वो स्कूल में पढ़ा के वहाँ से अपना बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, उनके घरों का चूल्हा भी बंद करना चाहते हैं ये सरकार। इनको ना तो पता है ना कि इनको गृहस्थी का पता है, ना इन्होंने घर चलाने का पता है। और मैं तो एक अड़ियल भाषा में, हरियाणवी भाषा में कहता हूँ, सारे रांडे हैं, घर चलाने का पता को नहीं, औरों को और घर उजाड़ना चाहते हैं। ये सरकार किसी के भी भविष्य को देखना नहीं चाहती। बीजेपी सरकार ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे उनमें से एक वायदा पूरा कर किया हो उसका नाम बता दें। अब जो ये स्कूलों को बंद करने वाली बात है ना, एक एक स्कूल में 20-20 टीचर हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे क्या खाएंगे, ये नहीं सोच रही। लेकिन ये इनका एक और कारण है। करोगे स्टिक देश क्या करोगे आप? क्या हम इन स्कूलों के साथ हैं, रोड पे निकलेंगे इनके साथ, इनका पुतला फूकेंगे कल परसों में ही, शिक्षा मंत्री का और बीजेपी सरकार का पुतला फूके। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनके साथ रहेगी, हमेशा इनके साथ है। ललित जी एक बात और बताऊँ आपको, ये शिक्षा कहाँ देंगे? इनके विजयवर के मंत्री जी जो सेंट्रल लेवल के मंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, उनका बेटा क्या करता है, कर्मचारी को बेटों से पीटता है। और 2 दिन पहले उनका एक विधायक उत्तराखंड का मुंह में रिवॉल्वर लेके, आंगलियों में रिवॉल्वर लेके कैसे डांस कर रहा है, ये क्या शिक्षा देंगे? निकालने से क्या होता है, थप्पड़ मार दिया, निकाल दिया। बीजेपी वाले को डोन कर रहे हैं, डोन गुंडे लुटेरे हैं। विपक्ष का काम है कुछ भी कह सकते हैं, आरोप लगाना आसान है। और जैसे ये चौकीदार चोर का नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने भी तो कहा था चौकीदार चोर, आखिरी में माफ़ी मांगनी पड़ी थी इनको। और ये 70 साल से कांग्रेस पार्टी राज कर रही है, तब विकास कहाँ था? अब ये 5 साल में विकास मांग रहे हैं। अभी 5 साल में तो मोदी सरकार ने तो बहुत कुछ कर दिखाया है, आगे भी करेगी, अब आएगी। एक छोटा सा सवाल मैं पूछ सकती हूँ? सिर्फ इतना बता दो जी, अगर कांग्रेस सरकार इतनी बढ़िया है, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, वापस सिर्फ हिंदू महासभा की तरफ से हैं, सिर्फ इतना बता दो कि राहुल गांधी जी ने इस्तीफा क्यों दिया अध्यक्ष से? कुछ तो लगा होगा उनको, तभी इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया? कांग्रेस पार्टी का इतिहास है 70 साल का। आज दे रहे हैं, आज जो आज आपके माध्यम से आप चैनल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये राजीव गांधी की देन है। कंप्यूटर से जंगलियां चलती है, राजीव गांधी की देन है। और 70 साल का इतिहास, आजादी का टाइम, कांग्रेस पार्टी के अंदर वो आजादी दिखाई है। कांग्रेस पार्टी ने वो क्रांति अब मतलब आजादी दे ही है, उन्होंने वो संघर्ष किया है। 70 साल पहले जो कांग्रेस का अंग्रेजों का शासन था, उनको बजाने का महात्मा गांधी ने संघर्ष करके अंग्रेज शासन को यहाँ से बजाने का काम किया। जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए थे, हमारे पास एक सुई भी नहीं थी। आज जो भी देने कांग्रेस पार्टी की देने। राहुल गांधी जी ने इस्तीफा क्यों दिया? मैं हमारी बहन जी को मैं बताना चाहता हूँ, हमने हार की जिम्मेवारी ली, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जनादेश का अपने सर माथे लगा के उन्होंने इस्तीफा दिया है।
वो हार गए, चुनाव हार गई, पार्टी चुनाव हार गई, ये उनका शिष्टाचार के नाते उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया किसी को। बाकी सारे नेता इसलिए वो इसलिए दे रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष जी ने जब इस्तीफा दे दिया तो वो भी दे रहे हैं, ये शिष्टाचार है। वो अध्यक्ष बनेंगे दोबारा किसी को देंगे, वो फिर पद पे आ जाएंगे। लाइट नहीं है, महिलाएं रात को आती है, आप देख रहे हो अंधेरा होने वाला है, यहाँ लाइट सस्ती नहीं है, क्या मानते हैं आपका? पार्क पार्क में नहीं ललित जी, लाइट कहीं भी नहीं है, महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो आप दलित नेता हो, बहुत मन रखते हैं, बहुत काम करते हो, लेकिन इस बारे में आवाज क्यों उठाते हैं? महिलाएं देखो कितनी तादाद में है, लेकिन आवाज उठाते हैं, ज्ञापन पत्र देते हैं, जगह जगह जाके मिलते हैं, एसटीएम साहब से मिल चुके हैं, अप्लीकेशन दे चुके हैं 3 बार, कुछ नहीं होता। बीजेपी सरकार में कुछ होना ही नहीं है। कोई तो कहता है कि गरीबी को खत्म करो, बीजेपी सरकार तो गरीबों को खत्म कर रही है, गरीबों को खत्म कर रही है बीजेपी सरकार, गरीबों को खत्म कर रही है। मीना जी बोलिएगा, आप चुप क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं है, समानता का अधिकार है सबको, गरीबों को कहाँ खत्म कर रही है? राष्ट्रपति कौन है आज देश का? राष्ट्रपति कौन बना हुआ है? वो गरीब नहीं है, कांग्रेस ने वो कांग्रेस ने बनाया है। के आर नारायण कांग्रेस का ही था, अब कौन है? फिर ज्ञानी जैल से उत्ता सिंह, मीरा कुमार। अब इस पार्टी की बात हो रही है, अब इस पार्टी की बात हो रही है कि गरीब गरीबों का तो फिर नीचे ही रखते हैं उनको। सर अगर हर डिपार्टमेंट में देखिए, समाज सेवी की आप बहुत बड़ी दुहाई देते हैं, समाज सेवी की बड़ी दुहाई देते हैं, लेकिन इस मामले में क्या करे आपने? ना चौकीदार है, ना यहाँ कोई माली पाली है, लेकिन आप चुप क्यों? हम चुप नहीं है जी, हम तो अभी भी संदेश देना चाहेंगे कि आओ सभी संदेश देते रहोगे? नहीं, संदेश नहीं, हम तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। मैं तो सभी पार्टियों से एक बात कहूँगा कि आप सभी पार्टी एकजुट होकर हांसी के पार्कों का विकास करवाओ, हांसी के अंदर हॉस्पिटल खुलवाने का काम करवाओ, उद्योग लगाने का काम करवाओ। हांसी में पार्क बना हुआ है, लेकिन इसकी देखभाल कौन करेगा? हॉस्पिटल कहाँ खुला हुआ है जी? एक भी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, किसी हॉस्पिटल के अंदर ना वेंटिलेटर है पीलिए का, किसी हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं है। बिल्कुल। एक टिक्का कंपाउंडर एक हॉस्पिटल खोल दिया और उसके अंदर एक कंपाउंडर टाइप के डॉक्टर छोड़ दिए, तो उससे इलाज तो नहीं हो सकता ना जी। आज छोटी सी भी बीमारी के लिए हमें हिसार जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, उस पेशेंट को ले जाने के लिए हमारे पास व्हीकल भी नहीं है। तो मैं तो सभी ही सरकार, जितनी भी सरकार है, चाहे वो इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हांसी के अंदर उद्योग लगाने का काम करे, अस्पताल खिलाने का काम करे, कॉलेज खोलने का काम करे, ना कि लेग पुलिंग का काम करे। मैं नहीं चाहता कि हम लेग पुलिंग के चक्कर में पड़े, हम तो ये चाहता सब मिल के हांसी का विकास करें। अस्पताल बीमार है, अस्पताल में पिछले दिनों मैंने भी प्रदर्शन किया था, जब उसमें के क्या करें, दवाई नहीं है, इलाज करने का कोई वो नहीं है साधन। जब वो बीमार चल रहे थे, डेथ हो गई थी 5-6, जब भी हम आए थे हमने प्रदर्शन भी किया था, मांग भी की थी कि यहाँ पे ट्रामा सेंटर चालू किया जाए। यहाँ पे हाईवे जो नेशनल हाईवे बना है उसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं यहाँ बहुत बड़ा, कम से कम ट्रामा सेंटर बनाया जाए ताकि उनका इलाज हो उसके। दूसरी बात, मैं आदरणीय मनोहर लाल जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, ये ड्रामेबाजी झाड़ू लेके नई खरीद के सफाई का भी अभियान चलाने का ड्रामा ना करें। हाँसी का हाल देख लो, किसी गली में निकल जाए निकला नहीं जाता। दूसरी बात, चेयरमैन इनका बीजेपी का है, इनका विधायक हमारी कांग्रेस की है, इसलिए उनको नीचा दिखाने के लिए ये काम नहीं करना चाहते चेयरमैन यहाँ का, और इनकी सरकार ऊपर से है। आज तक जो कांग्रेस के टाइम का 45-50 करोड़ रुपया बचा हुआ था वही हांसी में लगा है, अभी तक एक रुपया भी नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा। विधायक की है, विधायक ने जब चुनाव था उससे पहले बहुत आई हैं, बहुत बार आती रही हैं, लेकिन अब फिलहाल आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी का कैंसर का ऑपरेशन चला हुआ है अमेरिका में, वो उनकी वाइफ है वो वहाँ हैं, अब उनको छुट्टी मिली है परसों, वो आएंगे और अब आए भी गए, ऐसा नहीं है विपक्ष की विधायक है। शहर में क्या चल रहा है, विकास करिए और वगैरह क्या चल रहा है, आपको क्या मानते हो सरकार? सर कोई कार्य नहीं चल रहा है शहर में, लाइट चस रही है, लाइट लगी हुई है बढ़िया बढ़िया। सर एक बात बताओ, आप शहर की गलियों में जाके देख लो, सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि सफाई का क्या, सफाई कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा गया। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, वहाँ पे कमेटी के अंदर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, उन्हें सिर्फ पता है क्या किया, पिछली तनख्वाह कहाँ से देंगे, सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह दे के कहते कि काम करो, तनख्वाह देते ही नहीं सर, कहाँ से काम करेंगे? हेलो जी,
कल आप गाज गिरने वाली है स्कूल इस गाज गुज की परवाह को नहीं करते, चाहे बिजली पड़ जाओ चाहे भूकंप आ जाओ, हम तो स्कूल चलावांगे। राइट टू एजुकेशन इज अवर प्राइमरी राइट, हमारा पढ़ाने का अधिकार, हम पढ़ाएंगे, किसी के दम पे नहीं पढ़ा रहे। हमने कर्जा लेके रिश्तेदारों से बैंकों से लेके स्कूल स्थापित किया और सारा सिस्टम दिखाएंगे क्या किस आधार पे हम चला रहे हैं, किस आधार पे हम बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक सिर फिरे ने कोई याचिका लगाई और उसके आधार पे हरियाणा के स्कूल बंद कर देंगे। अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े जो महापुरुष हैं ना, वो छोटे छोटे स्कूलों में पढ़े हुए हैं। ग्रांड जो बिल्डिंग है ना, उसका कोई विशेष रोल नहीं होता, सिस्टम का रोल होता है और वो छोटे छोटे स्कूल प्रोवाइड करते हैं। गली मोहल्ले की शिक्षा व्यवस्था को किसी भी सरकार को नेस्तनाबूद करने का अधिकार हम नहीं देंगे। भाई जब तक कोई अच्छा व्यक्ति यहाँ का विधायक नहीं बनेगा, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ उसका कारोबार है, तब तक मतलब हांसी का तो सुधार होगा नहीं। नहीं, पहले तो हांसी के विधायक बने जितने बने हैं। नहीं, हांसी के विधायक नहीं बने ना, मतलब हांसी के विधायक नहीं बने। सीपीएस विनोद बैना लिए हांसी से? नहीं, सीपीएस विनोद बैना भी बार का ही था, वो भी हांसी हल्के का नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज, ये बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी का राज ही नहीं, बीजेपी के नाम पे इन वोट ही नहीं मांगे। इनने तो वोट एक जादूगर है, मतलब जो ने जादूगर के नाम पे वोट मांगे। बीजेपी का तो बाउंडर कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी नहीं, एक जादूगर है। और जादूगर को आप ये मानते हो कि वह जादूगर अपनी कला दिखाता है, हिंदुस्तान वाले तो मान रहे हैं वह जादूगर है, तो ये जादूगर है। ये मतलब जो है व्यक्ति ना तो इसने घर का बेरा ना इसका घर है। मैडम जादूगर है, मोदी जी जादूगर है, बता दें जादूगर है, तभी तो सबको अपने बस में कर लिया उन्होंने, तभी तो पूरे भारतवर्ष का नाम सारे विश्व में डंका बज रहा है। आए हैं प्रधानमंत्री का, इसीलिए तो वो जादूगर की वजह से तो है वो डंका। कुछ नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं, काम क्यों नहीं हो रहा है? ये कह रहे हैं नेशनल हाईवे पर चल रहे, वो किसने बनाई है? जो ट्रामा सेंटर का जिनका जिक्र चल रहा है, क्यों वो अब बने हैं? चलने तो मैं तो बनाया था नहीं, का हमें बनवाया नेशनल हाईवे का पत्थर अनाज मंडी में आदरणीय खड़गे जी मुहूर्त करके गए थे, रेलवे लाइन का और नेशनल हाईवे का सरसाधक, अगर उसका पत्थर भी ये नहीं मानते, मैं तो शर्म की बात है मेरे लिए भी कि हमारे इतने बड़े गुरुजी जो टीचर जो स्कूल चलाते हैं प्रिंसिपल हैं, वो रो के अपनी बात सुना रहे थे टीवी के चैनल। आने वाले चुनाव में जब ये दिखाएंगे ना बच्चों में एक एक स्कूल से कितने बच्चे, मेरे को तो शर्म आती है ये कहते हुए भी कि बीजेपी सरकार इतना बुरा इन स्कूलों के साथ कर रही है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इन टीचरों के परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आप आंदोलन करोगे? 100% आंदोलन करेंगे। ये कल जिस स्कूल में भी जाएंगे वहाँ पे हम आगे खड़े मिलेंगे, जिस स्कूल में हमें बता के चले हम आगे इनके साथ साथ गाड़ी रहेंगे, हम साथ रहेंगे। आपके समर्थन में आई है कांग्रेस बीजेपी से? बात सुनो जी, सभी को समर्थन में आना पड़ेगा, ये मुद्दा ऐसा है जो आम आदमी से जुड़ा है और इसको किसी भी कीमत पे सरकार को छेड़खानी करने का अधिकार नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पे। हम तेल की पिप्पी रखेंगे अपने स्कूल में मार को आग लगा के और फिर बाहर निकल जाना, नहीं तो किसी को इस सिस्टम को बंद नहीं करने देंगे। शिक्षा से ही सरकार खिलवाड़ करेगी तो बाकी बचा ही क्या? शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे जी, और हर कदम पे इन स्कूल के प्रिंसिपलों के साथ खड़े हैं। देश के अंदर जो बीजेपी सरकार है, जैसे 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से SC ST एक्ट को तोड़ा गया था, इसी तरह से माननीय न्यायालय का सहारा लेकर हरियाणा प्रदेश के जो छोटे छोटे स्कूल हैं जिनमें दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा, उनको वो शिक्षा से वंचित करने का, इनके प्राइवेट स्कूल तो बंद हो गए 900 के करीब पूरे हरियाणा के अंदर, प्राइवेट इनको सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया इन्होंने, और अब जो गरीबों के गांव में देहातों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे कई टीचर हमारी संस्था से भी जुड़े हुए हैं जो गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से जिस तरह से इनको बंद कराने का काम किया गया, खट्टर सरकार को हम बताना चाहते हैं कि SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिस तरह से तोड़ने का काम किया, और फिर हमने 2 अप्रैल को इस पूरी बीजेपी को ये बता दिया कि पूरे देश के दलित इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, तो मास्टर जी इसका हम समर्थन में हैं, हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों के हम समर्थन में हैं, और उनको हाथ लगाने का काम करें 2 अप्रैल जैसा आंदोलन के लिए, फिर हम तैयार हैं। भारद्वाज जी एक मिनट, मैंने ना 2000 मैथ CS क्वालिफाइड हूँ जी, और सरकार ने मुझे नौकरी दी नहीं,
मेरे पिताजी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख में मैंने वो सिस्टम शुरू किया, अपने साथियों से 15-20 लाख उधार लिए, इधर बैंकों से लोन लिया, इधर और सिस्टम से लोन लिया। और जब चौटाला सरकार ये कह रही थी ना 2.5 एकड़ में 3 एकड़ में चलेगा, तो मैंने स्कूल स्थापित किया था। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई भी मान लो सिस्टम आ जाए मेरे सामने बहस करे स्कूल चलाना अपराध है क्या, ये अपराध है तो हम 100 बार करेंगे। इसके बाद हुड्डा सरकार ने बंद करने का प्रयास किया, लेकिन माननीय हुड्डा साहब ने हमारी बात को ना 1000 बार सुना। जब भी मान लो कोई समस्या होती थी तो हमको चंडीगढ़ बुलाया गया, लेकिन ये खट्टर सरकार इतनी नकारा सरकार है, इसने एक बार भी स्कूल वालों को आमंत्रित नहीं किया, मीटिंग नहीं की। इससे ये ज्ञात होता है कि ये कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं, इनको संवेदना सिखाने का हम काम करेंगे। कोई बात नहीं, कोई टाइम लगेगा थोड़ा सा, पावर इज नॉट फॉर एवर, सत्ता हमेशा के लिए नहीं है, इस चीज को हम दिखाने का काम करेंगे इस देश के अंदर। आज देश में स्थिति ये आ गई, अंग्रेजों से भी बुरा समय है, अंग्रेजों से बुरा समय है तो हम भगत सिंह चंद्रशेखर बनने का काम करेंगे इस देश में। कल देखता हूँ किसके बाप में दम है मेरे स्कूल में, पहले मेरे स्कूल में आके लोक लगा के दिखाए कोई, मैं फिर बताऊंगा उससे। हाँ जी, कल आपका क्या स्टे का आदेश रहेगा, क्या आपका रहेगा? कल मैं आसी में रहूंगा। कल आप आसी में रहोगे? बिल्कुल रहूंगा, अपनी टीम के साथ। अपनी पूरी टीम के साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम साथ रहेगी, और जिस स्कूल में भी जाएंगे उस स्कूल में सबसे पहले आगे हम खड़े मिलेंगे। मैं एक बात से सहमत हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब जब कभी भी अगर कोई अड़चन आई सरकार की तरफ से, तुरंत उस टीम को बुलाते थे, उनसे पूछते थे भाई तुम्हारा समाधान कैसे निकल पाएगा, तो उस चीज़ का समाधान निकालते थे। ये समाधान निकालने का काम नहीं कर रहे, ये तो मारने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों, अभी लोगों को पता नहीं है, जो पानी का बिल 254 रुपये 6 महीने में आता था, अब 720 रुपये हर महीने आएगा जिसके घरों में, अभी आना शुरू हो जाएगा इस महीने से। लोगों को पता चल जाएगा कि हर महीने 720 रुपये का पानी का बिल घर पे पहुंचेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी 200 रुपये 120 रुपये पानी का बिल आता था 6 महीने का। आपने भी देखा होगा सबके घरों में यही आता था। सभी महानुभाव का, दर्शकों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद, और हम आगे भी नए मुद्दे के लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। कैमरामैन रामनिवास सैनी के साथ ललित भारद्वाज की एक खास रिपोर्ट।